नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज आपके साथ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ। अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत सारे फार्मर को फेस करना पड़ता है, बकरियों के मुंह के अंदर जख्म हो जाना और जख्म होने के बाद कीड़ लग जाना। तो सबसे पहले जान लें कि कीड़ लगता क्यों है जख्म के अंदर। जख्म जब खुला रहता है तो उसके अंदर कीड़ लग जाता है, तो जख्म को खुला ना छोड़े, उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं। इसके जो बकरे का मुँह के अंदर जो जख्म हो गया है, इसके लिए कीड़ा मारने का एक ही सबसे आसान तरीका है, मुँह के अंदर ही है। तो आइवरमैक्टिन इंजेक्शन आपको पहला देना है, 1 ml देना है, 1 dose, एक ही दिन देना आपको। आइवरमैक्टिन ये एक ऐसा इंजेक्शन है कि आपको डिवॉर्मिंग का भी काम करेगा और बॉडी पे जो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी आपको हटाएगा। ये बहुत पावरफुल इंजेक्शन है आइवरमैक्टिन। ये प्रेग्नेंट गोट को बिल्कुल ना दे, ये ध्यान रखें, प्रेग्नेंट अगर है तो इसको ना दे आइवरमैक्टिन को। सेकेंडरी इसको आप देना है मेनुलिक्स प्लस। मेनुलिक्स प्लस इसलिए देना है कि अगर आपको जैसे टेम्परेचर है थोड़ा इसको, या सूजन आ गया इसके जबड़े पर, थोड़ा सूजन भी आ गया है तो सूजन भी कम करेगा और इसका टेम्परेचर भी कम कंट्रोल करेगा। थर्ड होता है जख्म सूखने के लिए आपको पेंसुलिन देना है। पेंसुलिन क्या करेगा, जख्म सुखाएगा। अगर जख्म कम है तो आप 1 dose देना है। फाइनली इसके टोपी क्यूर, ओरली टोपी क्यूर आपको स्प्रे करना है। ध्यान रखेंगे आपको ओरली टोपी क्यूर ही लेना है। एक टोपी क्यूर और आता है जो कि बाहर के जख्मे में मारा जाता है, तो वो इस्तेमाल नहीं करके आपको ओरली करना है, क्योंकि मुंह के अंदर का जख्म है। तो 2 times आपको स्प्रे करना है इसके ऊपर, ठीक है। कि इसके मुंह से किस तरीके से कीड़ निकल रहा है, कीड़ भी बहुत ज़रूरी है निकालना। अगर कीड़ नहीं निकालेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कीड़ निकालने के लिए, बाहर का कीड़ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, पेट्रोल डाल के भी निकाल सकते हैं। पेट्रोल डालेंगे तो बहुत जल्दी कीड़ निकल जाएगा आपको, बाहर का कीड़ है, लेकिन मुंह पर है तो मुंह पर कीड़ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल तरीके से निकालना पड़ेगा आपको कीड़। देख सकते हैं आप किस तरीके से कीड़ निकाला जा रहा है। अगर आपके पास ओरली टोपी क्यूर नहीं है, आप सब ट्रीटमेंट कर चुके हैं और कीड़ निकाल चुके हैं, अगर फिर भी मक्खी बैठ रहा है, तो आप उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं मुंह पर, उससे भी आपको मक्खी नहीं बैठेगा। इसको 3 injection आपको इस पर काम कर जाएगा। ये ध्यान रखें, आइवरमैक्टिन, मेनुलिक्स प्लस और पेंसुलिन। पेंसुलिन आप ये ध्यान रखें, अगर जख्म कम है तो आपको 1 dose में काम हो जाएगा, नहीं तो आपको 3 दिन करना है, नहीं तो आपको 5 दिन करना है पेंसुलिन। और मेनुलिक्स का भी सेम है, आप 3 दिन करिए, 5 दिन करिए, इसको आप जख्म के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। लेकिन आइवरमैक्टिन आपको 1 dose ही देना है और सबकट देना है, यानी कि चमड़े में देना आपको आइवरमैक्टिन, क्योंकि चमड़े का प्रॉब्लम है तो चमड़े में देना है उसको। वीडियो से अगर फ़ायदा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें ग्रुप में, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक ज़रूर कर ले और कमेंट्स करके बताएं कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास डॉक्टर्स की पूरी टीम है और हमारा खुद का एक्सपीरियंस, 6 years का एक्सपीरियंस है। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं कमेंट्स पे। आइवरमैक्टिन को बार बार बोल रहा हूँ मैं कि आइवरमैक्टिन सिर्फ 1 dose देना है, ये गलती नहीं करना है आपको, 1 ml ही देना है। थैंक यू सो मच।